आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ मावा समोसा की, तो चलिए बनाकर दिखाती हूँ मावा समोसा। ये है 500 ग्राम मावा, तो अभी इसको मैं घिस लेती हूँ। सारा ऐसे घिस लूंगी, उसके बाद इसको भूनूंगी मैं। मावा को घिस लिया है, अब मैं ड्राई फ्रूट को भूनती हूँ, फिर इसके ऐसे भूनूंगी। घी लगा लेती हूँ कढ़ाई में, अब ये है बादाम, ये काजू है, दोनों को एक साथ में भून लेती हूँ। स्लो मीडियम पर मुझे ये भूनने हैं 2-3 मिनट के लिए बस। ये रोस्ट हो गए हैं, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये नारियल घिसा हुआ, जो मैंने नारियल घिस लिया था वो भून रही हूँ। इसको स्लो मीडियम पर ही भूने, क्योंकि नहीं तो जल जाएगा एकदम से। देखिए ये भी रोस्ट हो गया है नारियल, देखो ये भी हो गया, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ठंडा होने देती हूँ तब तक, जब तक ये मावा भून लेती हूँ। मावा भी भून गया है, वो भी मैं एक बार में निकालूंगी, ठंडा होने पर सबको मिला दूंगी मैं। बस गैस बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं भूनना है, परफेक्ट है। तब तक मैं ये, जब तक ये ठंडा होता है मावा, मैं हरी इलायची को तोड़ लेती हूँ और फिर इन्हें कूट लेती हूँ। ठंडा हो गया है, अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को मिला मिक्स करती हूँ। पहले इनको मिक्स करती हूँ, फिर नारियल। मैंने थोड़े मोटे काटे हैं, अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक काट लें ड्राई फ्रूट्स को। इसमें डालती हूँ नारियल, इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें ये डालती हूँ हरी कुटी इलायची, इसको भी मिक्स करती हूँ।
पर आप केसर भी डाल सकते हो। उसको भिगोए नहीं, उसके कुछ धागे लेकर ऐसे ही इसमें डाल लें, बहुत बढ़िया कलर आता है और उसकी सुगंध भी अच्छी आती है, फिर फ्लेवर जो होता है बहुत अच्छा आता है उसका। तो ये मिक्स हो गया है, अब आगे का प्रिपरेशन करती हूँ। अब मिक्स कर रही हूँ पाउडर शुगर जो कि 150 ग्राम है। अगर आप ज्यादा खाते हैं मीठा तो आप बढ़ा सकते हैं, 250 ग्राम तक कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा कम खाते हैं तो 150 ग्राम लिए। आप अच्छा ठीक ठाक से खाते हैं मीठा तो आप 250 ग्राम तक डाल सकते हैं इसमें। और कभी भी जब मावा गर्म हो तब चीनी उसमें नहीं डालें, मतलब पाउडर शुगर नहीं डालें, क्योंकि पानी रिलीज कर देती है। तो जब ये मावा ठंडा हो जाए तब पाउडर शुगर इसमें मिक्स करें। देखिए पाउडर शुगर अब मिक्स हो गई, और बस तैयारी करती हूँ आगे की। देखिए 2 कटोरी मैं मैदा ले रही हूँ, इसको मैं छान लेती हूँ। मैदा है मान के चले तो 250 ग्राम मैदा है ये। थोड़ा सा इसमें डालूंगी नमक, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई मीठी चीज बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं डो में तो वो टेस्ट ओवर कर आता है। और मोइन के लिए डाल रही हूँ मैं इसमें घी। देखिए तीन चम्मच। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए घी को मैंने मिक्स कर लिया है, और देखिए जब ये ऐसे बनने लग जाए ना मुट्ठी में, समझ लो परफेक्ट है मोइन। और मैंने देसी घी डाला है, अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, कोई और मस्टर्ड ऑयल वगैरह ना डालें क्योंकि उसमें स्मेल होती है, और ये रिफाइंड ऑयल कोई सा भी आप डाल सकते हैं। देसी घी का ये है कि देसी घी का टेस्ट ओवर कर आता है। तो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटा लगाती हूँ। इसको पूरी से भी थोड़ा सख्त लगाएं तभी इसकी पूरी जो आएगी समोसे की बहुत बढ़िया आएगी। देखिए अब है, अब इसको मैं 20 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी, तब करती हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, अब मैदा को देखो, मैदा का डो बनाया था वो ऐसा हो गया है, बढ़िया हो गया। अब मैं बनाती हूँ लोई। छोटी छोटी लोइयां बनानी है। से दबा दबा के इनको पेड़े की टाइप बना लो। बेल लेती हूँ इनको। देखिए समोसा के लिए मैंने पूड़ी बेल ली है, अब उसको बीच में से कट करती हूँ। इस पे पानी लगाया आधे पे, और यहां से मोड़ दिया इसको अंदर से। देखो कौन बना लिया ये अच्छे से, और अब इसमें फीलिंग डालती, उसको पानी लगाती हूँ। एक प्लेट लगाओ ऐसे,
और फिर इसको लॉक कर दो। देखो बन गया ना समोसा। देखिए अब समोसा सेकने जा रही हूँ मैं, क्योंकि अब तेल सही हो गया है ना, ज्यादा तेज होना चाहिए ना ही स्लो होना चाहिए, मतलब मीडियम फ्लेम पर आप सेकें और स्लो स्लो पर ही सेकें, क्योंकि खस्ता बनाने हैं तो तेज तो आप सेक लेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। देखिए हमारे समोसे देखिए कैसे हो रहे हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। मैं इनको चाशनी में नहीं डालूंगी क्योंकि मीठा हम लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। अगर आपको चाशनी में डिप करनी है तो चाशनी बना लीजिए, और चाशनी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। देखिए मावा समोसे बनकर रेडी हैं, और बताइए आपको ये कैसे लग रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।